भूली बिसरी यादों की वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी भूली बिसरी यादों को इतना प्यार दिया कि हम 15 एपिसोड तक पहुंच पाए। हमने जितने भी एपिसोड बनाए उन सबको आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दिया। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे जितना आपने बाकी वीडियो को दिया है। हमने पिछले कुछ वीडियो में कुछ चीजों का नाम पूछा था, जैसे इस चक्की का, इस फल का, स्टोव के पिन का और इस अरंडी के बीज का। बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम कमेंट किया जिससे हमें बहुत खुशी मिली और बहुत सारा मोटिवेशन भी। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी चीज का नाम पूछने वाले हैं जिसका नाम शायद ही आपको पता हो, और अगर जिन दोस्तों को उसका नाम पता है वो कमेंटों से कमेंट कर सकते हैं। घर से दूर जाते वक्त बेटे के जेब में पड़े लाखों रुपए की कीमत तब कम हो जाती है जब माँ विदाई के वक्त 50-100 रुपए ये बोलकर पकड़ा देती है कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। इससे प्यारा तोहफा दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों हर बार की तरह इस वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब कर शुरुआत करते हैं। याद है आपको ये क्या है, हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में पूछा था पर बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम गलत कमेंट किया था। तो बताओ दोस्तों इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। याद है आपको लट्टू नचाना, और क्या आपको याद है लट्टू के साथ लट्टू फाड़ खेलना। आपके यहाँ लट्टू फाड़ खेलने को क्या कहते हैं और क्या आपने भी लट्टू फाड़ खेला है। मैं तो बहुत खेला हूँ। क्या आपको याद है जब अंकल साइकिल पर ऐसे बुढ़िया के बाल बनाकर बेचने आते थे, जो बोतल, लोहे और पुराने सामान को लेकर बुढ़िया के बाल देते थे। मैंने तो बहुत ही खाया है, क्या आपने भी खाया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या आपने भी रेल की टिकट ऐसे इकट्ठी की है? अगर हाँ तो आपने बहुत अच्छी लाइफ जी है। ऐसे टिकट इकट्ठा करके हमें ऐसा लगता था जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। क्यों, सही कहा ना? वो भी क्या कमाल के दिन थे जब हम चाय में रोटी डालकर खाते थे, स्कूल में रोटी के बीच में एक अचार लेकर जाते थे, घर आकर चीनी रोटी खाते थे। क्या आपने भी ये सब किया है, रोटी में चीनी डालकर खाना और चाय के साथ रोटी खाना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितने भी 90s के किड्स होंगे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद था, उन्होंने ये हरकत जरूर ही किया होगा। वो चलते चलते अचानक रन अप लेकर बॉलिंग करने का एक्शन करते थे। क्यों, सही कहा ना, आपने भी किया होगा। याद है आपको जब हिंदी की टीचर क्लास में आती और सबको उठाकर बारी बारी से ये पढ़वाती, आ से अनार आ से आम, पर क्या कोई बता सकता है कि ठा ठठेरे क्या होता है। सच्ची कहूँ तो मुझे आज तक नहीं पता कि ठठेरा क्या होता है। तो कमेंट करो यार हिंदी के टॉपर जिनको ठठेरे का मतलब पता है। सभी ने ऐसे कैची से साइकिल सीखी होगी, मैंने भी ऐसे कैची से साइकिल सीखा है, पर क्या कोई है जो साइकिल के अगली सीट पर बैठा हो अपने पापा के साथ, जैसा सीट इस साइकिल में है छोटे बच्चे के बैठने के लिए। सच बताना ऐसा डिब्बा आज भी किसी न किसी के घर पर होगा जिसमें नमक, हल्दी या चीनी रखी होगी। सच कहूँ तो ऐसे च्यवनप्राश के डब्बे में मेरी मम्मी अमचूर रखा करती थी। आप क्या रखते हो, हमें कमेंट जरूर करें। तो बताओ ऐसा कटर किसके पास था जो पेंसिल को कम छिलता था और तोड़ता जाता था, और कई बार तो हम इसका ब्लेड निकाल कर हम अपनी पेंसिल छिला करते थे। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। याद है आपको जब स्कूल के बाहर लंच में ऐसे भैया बैर और खाने पीने के सामान लेकर आते थे, तब 2 रुपए में बहुत सारा बैर आता था। क्या आपने भी ऐसे बैर खरीद कर खाए हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें। क्या आपको याद है जब आप ऐसे हरकत करते थे जब फेविकोल को अपने हाथ में कुछ इस तरह से फैलाकर उसको निकालते थे, पर हाँ इस काम को करने में बहुत मजा आता था, मैंने तो बहुत बार किया है। याद है आपको जब अभी के जिंदगी से ज्यादा ये उलझा करती थी और हम ऐसे ठीक करते थे उन उलझनों को, और फिर से अपना मनपसंद गाना सुना करते थे। क्या आपने भी ऐसे कैसेट्स के रील सुलझाए हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें। याद है आपको जब क्लास में टीचर नहीं हुआ करती थी तब ऐसे रबर का बंदूक बनाकर अपने दोस्त को मारते थे, और कई बार तो निशाना गलत लग जाता था और आपके कागज की गोली किसी और को लग जाती थी। लट्टू तो सबको ही पसंद है, पर क्या आपने कभी ऐसा लट्टू नचाया है जो 2 रुपए की आती थी। मैंने तो बहुत नचाया ऐसे प्लास्टिक के लट्टू। तो दोस्तों बताओ आपके यहाँ ये लट्टू कितने रुपए का आता था। याद है आपको जब आपके पास ऐसे 2 चुंबक हुआ करता था जो आपस में टकराने के बाद बहुत तेज आवाज करता था चटर चटर, तब 90s के किड्स इसे बहुत खेला करते थे। उम्मीद है आपने भी खेला होगा ऐसे चुंबक से। तो बताओ ऐसे पुराने चप्पल के पहिए से गाड़ी बनाकर कौन कौन खेला है। सच कहूँ तो शायद सबने ही खेला होगा। सच्ची वो भी क्या दिन थे जब कोई फिक्र और कोई टेंशन नहीं थी, बस मस्ती हुआ करती थी। आपने भी गाँव की शादी में ऐसे पत्ते के दोने में सब्जी खाई होगी। मैंने तो खाई है, वो भी बहुत बार। सच कहूँ तो आज के बच्चे क्या जाने हमारा टाइम कितना अच्छा था, और शायद आज के बच्चों ने तो ऐसे पत्ते के दोने देखे भी नहीं होंगे। क्या कोई 90s का लेजेंड्स है जो बता सकते हैं ये क्या है और इसका काम क्या है। मेरे घर में तो मेरी मम्मी इस पर सब्जी रखा करती थी,
तो बताओ दोस्तों इसका नाम क्या है, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। याद है आपको जब हम ऐसे गिट्टक खेला करते थे? सच कहूँ तो ये खेल पहले के लड़कों को बहुत ही पसंद था। मैंने तो खेला है आपका पता नहीं, पर इसको खेलने में बहुत ही मजा आता था। बचपन कितना अच्छा था, हम कुछ भी खेल लेते थे। और दोस्तों क्या आप बता सकते हो इसका नाम क्या है जो बालों में चिपक जाता था? जब हम बकरी चराने जाते थे तब हम अक्सर ये हरकत करते थे, बिना बताए अपने दोस्त के बालों में इसको दूर से फेंक कर चिपका देते थे। तो बताओ इसका नाम क्या है और आपने भी ऐसी हरकत की है क्या? हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों अब बारी आती है उसकी जिसका नाम आपको बताना है और जिसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा है। तो बताओ इसका नाम क्या है? शायद आपने भी इसको बजाया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका नाम। और उम्मीद है कि सभी दोस्तों को इसका नाम पता होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है भूली बिसरी यादों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हर बार की तरह इस वीडियो को भी अपने बचपन के 10 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको उनका बचपन याद आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास भी ऐसे वीडियोस और ऐसे फोटोज हैं जो 90s की भूली बिसरी यादों को याद दिलाते हैं, तो आप हमसे अपनी वीडियो और अपनी फोटो शेयर कर सकते हो झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल से जुड़कर। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।